What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, हमारा chapter number 1 हो गया था last class में ख़त्म. आज हम start करने जा रहे हैं हमारा chapter number 2, that is principles of management. हमने management का basic meaning समझ लिया, characteristics समझे, importance समझा. आज इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और second chapter जो कि है principles, यानी कुछ नियम, कैसे मैनेजमेंट होता है, वो सब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए आज इस चैप्टर के बेसिक समझते हैं, फिर इस चैप्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे. चलिए लेट्स बिगिन. तो देखो यार, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. आप लोगों ने पहले मैनेजमेंट तो पढ़ लिया, प्रिंसिपल्स शब्द भी आपने सुना हुआ है. देखो प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कुछ कायदे, कुछ नियम, कुछ बेसिक गाइडलाइंस जिसकी हेल्प से हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, है ना. जैसे पुराने लोग पहले ज़माने के, मेरे दादाजी बोलते हैं कि हमारे प्रिंसिपल्स पे अगर तुम चलोगे तो देखो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा जीवन में. बहुत सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से वो शेयर करते हैं. तो प्रिंसिपल्स का मतलब ही क्या होता है? प्रिंसिपल्स कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो हमें वेज देती हैं हमारे गोल्स को अचीव करने की, है ना. अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है? वो सभी गाइडलाइंस जो हमें ये बता रही हैं कि एक अच्छा मैनेजमेंट कैसा होता है, करेक्ट. तो आओ जल्दी से सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब जानते हैं. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर स्टेटमेंट्स, देखो कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ, जो कि चीज़ें चलती आ रही हैं, फंडामेंटली ट्रूथ हैं जो चीज़ें, विच एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजंस, जो कि मैनेजर्स की हेल्प करती हैं, एक्ट करती हैं एज अ गाइडलाइन कि ऐसे आप अच्छे मैनेजरियल डिसीजंस ले सकते हो. तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? दीज आर द स्टेटमेंट्स विच एक्ट्स एज गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजंस. नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के? तो जो सबसे पहला फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट फीचर आता है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. नंबर वन इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. सर व्हाट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि आप जितने भी प्रिंसिपल्स पढ़ोगे वो सभी प्रिंसिपल्स हर तरीके के बिजनेस पे अप्लाई होंगे और सब जगह अप्लाई होंगे. इसका मतलब ये है कि चाहे बिजनेस इंडिया में हो रहा है, चाहे बिजनेस यूएस में हो रहा है, चाहे बिजनेस किसी और कंट्री में हो रहा है, हर जगह जहाँ जहाँ व्यापार हो रहा है वहाँ वहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लगा सकते हो. हाँ, ये याद रखना कि ये प्रिंसिपल्स सेम टू सेम अप्लाई नहीं होते, एज इट इज़ अप्लाई नहीं होते. आप एज पर सिचुएशन, एज पर कंट्री, एज पर द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, ये अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करने पड़ते हैं. क्योंकि देखो हर व्यापारी का, हर कंट्री में, हर जगह बिजनेस करने का तरीका अलग अलग होता है, तो सब जगह सेम प्रिंसिपल्स तो अप्लाई नहीं हो सकते ना. तो यानी इनको आपको मॉडिफाई जरूर करना पड़ता है, बट लग जाते हैं सब जगह. क्या लिखा है? द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एंड दीज कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे मिलिट्री हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, सब जगह अप्लाई हो जाते हैं. जैसे अभी आप पढ़ोगे आगे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, जो ये बताता है कि कम्युनिकेशन एक चेन में चलेगी तो अच्छी रहेगी, इजी रहेगी. इज अप्लाइड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी चलता है वैसा, प्राइवेट ऑफिसेज में भी चलता है, स्कूल्स में भी चलता है, हॉस्पिटल्स में भी चलता है, क्लब्स में भी चलता है, सब जगह कम्युनिकेशन का एक चेन है, है ना, कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन बॉस है, कौन उसके नीचे है. तो इस तरीके से ये अप्लाई होती है कि एक के बाद एक के बाद एक कम्युनिकेशन में लोग जुड़े होते हैं. तो ये सभी प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं. नंबर टू, जनरल गाइडलाइंस. अब आइए मेन बात कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है. दीज आर जस्ट जनरल गाइडलाइंस जो आपको जनरली हेल्प करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जनरली हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में. ये तो आपके फ्रेंड्स हैं, ये प्रिंसिपल्स आपके फ्रेंड्स हैं जो आपकी मदद करते हैं अच्छे डिसीजन लेने में. क्या है? मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स गिव गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस देते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. ये किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, दीज आर जस्ट गाइडलाइंस. जैसे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन जनरल मैनेजर में अलाउ मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू गिव हैवी डिस्काउंट टू कस्टमर
without giving attention to financial losses as overall goal of the organization is important. अगर recession चल रहा है, अगर business down है, तो उस scenario में जो general manager है वो बोल सकता है कि आप heavy discounts दे दो, चाहे हम थोड़ा बहुत कम भी कमा लें, बट डिस्काउंट दो. सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिसेशन में नहीं आती है. सही है? तो ये किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, दीज आर जस्ट गाइडलाइंस. ओके, नेक्स्ट क्या आता है? अगला आता है ये प्रिंसिपल्स बने कैसे हैं. क्या देखो, हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो दो पढ़ लिए, यूनिवर्सली सब जगह चलेंगे. दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा कि ये जनरल गाइडलाइंस हैं. अब तीसरा, ये जितने भी प्रिंसिपल्स, सर प्रिंसिपल्स हैं कितने, अभी आप आगे पढ़ोगे, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं. जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या जो भी मैनेजमेंट करने के तरीके हैं, वो सभी कैसे बने हैं? बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. कैसे बने हैं? प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंटेशन से. सर प्रैक्टिस का क्या मतलब है? प्रैक्टिस का मतलब है कि डे टू डे इन पे ध्यान दिया गया है, लोगों को ऑब्जर्व करा गया है, कौन कैसे रिएक्ट करता है, कहाँ पे कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है. क्योंकि दीज प्रिंसिपल्स आर ह्यूमन बेस्ड, ये बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को दिखाते हैं. इनका नेचर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है, और ह्यूमंस रोज अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं. तो धीरे धीरे इनको देखा गया, एक्सपेरिमेंट करा गया है, तब ये बनाए गए हैं. क्या लिखा है? द प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर्स आफ्टर डीप एंड थॉरो रिसर्च वर्क. दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, ऐसा नहीं है कि एक रात में बना दिए गए. और दे आर नॉट द पर्सनल फीलिंग्स ऑफ एनी इंडिविजुअल. काफी ज्यादा प्रैक्टिस से, काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ, तब ये प्रिंसिपल्स फ्रेम करे गए हैं. दीज प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. मैंने आपको पहले ही बोला था, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये रिजिड नहीं है. रिजिड का मतलब होता है जो एज इट इज अप्लाई होते हैं. इनको आपको एज पर सिचुएशन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सब जगह बिजनेस का तरीका अलग होता है, सब जगह मैनेजमेंट का वे अलग होता है. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल. ये फ्लेक्सिबल हैं एंड डायनामिक. डायनामिक का मतलब विच कीप्स ऑन चेंजिंग. ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं. तो फ्लेक्सिबल हैं और डायनामिक है. मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है, हैविंग नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स. मैनेजमेंट में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज करते हो. ठीक है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन नीड, कॉम्पिटेंसी एंड एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बच्चे जब डिसीजन मेकिंग सारी टॉप लेवल करता है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन मेकिंग पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बांट दी जाती है. यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल को राइट दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर सकते हो. अब डिसीजन मेकिंग बांटना आसान काम नहीं है, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेस भी हो सकते हैं. तो ये तभी किया जाता है जब आपके एम्प्लॉयज अच्छे लेवल पे स्किल्ड हैं, एडुकेटेड हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं. अब हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम एम्प्लॉयज तो नहीं होते, तो कितना डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कितना डिसेंट्रलाइजेशन करना है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए फ्लेक्सिबल रखे जाते हैं. मेनली बिहेवियरल, ये मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं दीज आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर. इनका नेचर ही ये है. द मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. लोगों को समझ पाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है. अभी मैं अगर आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कौन सी बात 10 मिनट बाद बुरी लग जाए और हम लड़ रहे हैं उसी चीज़ पे. तो ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है. रात को लोग बहुत खुश सोते हैं, सुबह उठ के लड़ाई कर लेते हैं. रात को लड़ाई करके सोते हैं, सुबह वापस से नॉर्मल हो जाते हैं. तो ह्यूमन बिहेवियर इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते. तो इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखा गया है. काफ़ी ज़्यादा हम बोलते हैं कि अपने हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से बदलने पड़ते हैं, क्योंकि दीज आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, राइट. जैसे प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉप्स. एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब होता है बच्चे टीम स्पिरिट, यानी कैसे हम एज अ टीम काम करते हैं. तो उसको बोला गया है कि वो भी मोल्ड करता है बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज को टुवर्ड्स टीम स्पिरिट. इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद आ रहा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो सब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड हैं. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, देखो, कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे. पढ़ाई करना इज़ अ कॉज, एंड उसका इफेक्ट क्या है कि आपके मार्क्स आ रहे हैं. तो कॉज एंड इफेक्ट का मतलब जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ये जनरल गाइडलाइंस हैं, ये हमें बताती हैं कि इस प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो उससे ये आउटपुट आएगा, उससे ये रिजल्ट आएगा. तो ऑल द प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट. यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट मैनेजरियल प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी. देखो, हमें हेल्प करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और एफिशिएंसी बढ़ाने में, क्योंकि
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड होता है इससे, यानी पता रहता है कि ऐसा करने से ऐसा होने वाला है. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेल द लाइकली इफेक्ट इफ अ सर्टेन प्रिंसिपल इज अप्लाइड. ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया. इसका एग्जाम्पल आप अभी के लिए सिर्फ लिख सकते हो. जब ये प्रिंसिपल मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा तो वापस आके एक रीडिंग लगाओगे तो आपको एकदम क्लैरिटी आएगी. नेक्स्ट इज कॉन्टिंजेंट. सर कॉन्टिंजेंट का क्या मतलब होता है? कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट होना किसी सिचुएशन पे. तो मैंने आपको अभी बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टली एज इट इज अप्लाई नहीं होते, ये डिपेंडेंट होते हैं अलग 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 सिचुएशंस के ऊपर. क्या लिखा है? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कॉन्टिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू नेचर, साइज, टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. एस्पिरिट डी कॉप्स अभी पीछे आया था, जिसको हम टीम स्पिरिट बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वेयर वर्क इज कैरिड आउट ऑन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, वेयर एज इट इज ऑफ नो यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्क इज परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल. ये बोला जा रहा है कि अब देखो जो टीम स्पिरिट वाला प्रिंसिपल है वो तभी तो अप्लाई होगा जब टीम होगी. अगर एक इंडिविजुअल है तो वो प्रिंसिपल किसी भी काम का नहीं है. तो उस प्रिंसिपल का लगना ना लगना टीम के ऊपर डिपेंडेंट है ना. टीम होगी तो टीम स्पिरिट चाहिए, टीम ही नहीं होगी तो टीम स्पिरिट भी नहीं चाहिए. तो जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये सभी कॉन्टिंजेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर. समझे? नेक्स्ट क्या आता है अब हमारे पास? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स सारे पढ़ लिए. अगर आप एक बार ध्यान से सारा रिविजन लगाओ तो ये सब हमने पढ़े यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं. जनरल गाइडलाइंस हैं, ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से बनाए गए हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाते हैं और कॉन्टिंजेंट होते हैं. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. इसके बाद हम चलते हैं आगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि वाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पॉर्टेंट. आपके लिए प्रिंसिपल्स को पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों समझना इम्पॉर्टेंट है? नंबर वन, द प्रिंसिपल्स प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इन टू द रियालिटी. ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट्स देते हैं. इंसाइट्स का मतलब होता है टिप्स, या फिर आप की पॉइंट्स बोल दो, या फिर आप ये बोल दो कि पहले से ही बता देना कि रियलिटी में क्या होगा. तो अगर किसी मैनेजर ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हुए हैं तो उसको डिसीजन मेकिंग करना आसान होगा, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पहले ही बता देगा कि ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं ना ये. तो जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट्स देते हैं रियलिटी की, कि अगर आप ऐसा करोगे तो रियलिटी में क्या होने वाला है. तो क्या लिखा है? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्ट्स एट गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स. द प्रिंसिपल्स इम्प्रूव देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस. ये प्रिंसिपल्स मदद करती हैं मैनेजर की नॉलेज बढ़ाने में, एबिलिटी बढ़ाने में. द इफेक्ट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स हेल्प्स द मैनेजर टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड टेक वाइज डिसीजंस. सही. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इसका मतलब ये है कि जब आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो इन प्रिंसिपल्स की मदद से आपके काम में एफिशिएंसी आती है, वेस्टेज कम होता है, तो आप अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हो. अपने रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो यानी मेन, चाहे वो मशीन्स हो यानी फिजिकल रिसोर्स या कैपिटल रिसोर्स, इन सभी रिसोर्सेज को आप मिलजुल के अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो, एफिशिएंसी बढ़ती है, वेस्टेज कम होता है और ग्रोथ एकदम मैनीफोल्ड होती है. तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं अगर आप उनको अच्छे से अप्लाई करते हो तो द प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजन. सिंस ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये सारे के सारे साइंटिफिकली डिराइव्ड हैं. साइंटिफिकली मतलब इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करे हैं. जैसे साइंस में हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं ना, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंटेशन से बने हैं. तो अगर कोई मैनेजर इन प्रिंसिपल्स की मदद से डिसीजंस लेता है तो उसके डिसीजंस भी साइंटिफिक डिसीजंस कहलाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन साइंस. ये सभी प्रिंसिपल्स उसी तरीके से डिराइव करे गए हैं जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डिराइव करे जाते हैं. हाँ, थोड़ा सा इनका नेचर ज़रूर अलग है बट डेरिवेशन वैसे ही हुआ है इनका भी जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का होता है. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग. दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स सो दैट दे कैन टेक साइंटिफिक डिसीजंस. नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट. नहीं 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 नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं यहाँ पे चलेगा बेटा. ये सेम आ गया वही लास्ट वाला ही, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे.
आप इसके लिए अपनी एनसीईआरटी या अपनी बुक रेफर करना, जिसके अंदर से आप स्टार्टिंग के 2 से 3 पॉइंट्स चेक करना, जिसके अंदर हम ये लिखेंगे कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो हम समय के अनुसार चेंज करके अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, जिससे हमारा टाइमली ग्रोथ होगा और साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि समाज के लिए भी काम करना। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो हमें सोशली भी रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखते हुए डिसीजन मेकिंग करनी है। अगर आप एक मैनेजर को देखोगे तो मैनेजमेंट में वो जितने भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है वो सभी सोसाइटी से आए हैं, तो आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को भी प्रॉपरली यूटिलाइज करो और सोसाइटी के लिए ही अच्छे गुड्स और सर्विसेज डेवलप करो। क्या है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स एंड इनेबल देम टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एफिशिएंट मैनेजर्स कैन मेक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइजेस। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है बच्चे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका मतलब जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स के लिए ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च वर्क, जिसको सीख के एक मैनेजर बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ के रास्ते पे लेके जा सकता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग, क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स बाय एनरिचिंग देयर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। मैनेजर्स की थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाते हैं ये, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स साइंटिफिक जजमेंट और लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड है। ठीक है, साइंटिफिक जजमेंट क्यों, क्योंकि ये डेवलप ही साइंस की मदद से हुए हैं, और लॉजिकल थिंकिंग यानी लॉजिकली सोचना, ऐसे ही नहीं। एज अ रिजल्ट प्रिंसिपल एक्ट एज अ बेस ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैनेजेरियल स्टडीज। तो ये हमारे इम्पोर्टेंस आ जाती है किसकी, इन सभी प्रिंसिपल्स की। तो ये सभी प्रिंसिपल्स जो कि डेवलप हुए हैं धीरे 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 समय के साथ, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हमने मीनिंग पढ़ा, फीचर्स पढ़े, इम्पॉर्टेंस पढ़ी। अगली क्लास में हम लोग इन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे फेयॉल के नज़रिए से। फेयॉल कौन है? फेयॉल इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, जिन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। उन सभी प्रिंसिपल्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उन्होंने क्या क्या कहा, कहाँ कहाँ पे प्रिंसिपल लगते हैं, कैसे कैसे लगते हैं, इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही। छोटा सा होमवर्क ये है कि साथ साथ अपनी एनसीईआरटीज की रीडिंग ज़रूर लगाएं। बिना एनसीईआरटी रीडिंग करे आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस हमेशा कम हो जाते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं उन सब के लिए एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू करो, रीडिंग लगाओ और चेक करो वहाँ पे इनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।